The leaders will now jointly inaugurate the Gandhi Solar Park at the United Nations headquarters, the Gandhi Peace Garden at State University of New York College at Old Westbury, महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती और उस समय एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प जारी करने के लिए मैं यूएन का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनसे गांधी जी कभी मिले नहीं वो भी उनके जीवन से कितना प्रभावित रहे। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला, उनके विचारों का आधार महात्मा गांधी थे। गांधी जी का विजन था। साथियों, आज लोकतंत्र की परिभाषा का एक सीमित अर्थ रह गया है कि जनता अपनी पसंद की सरकार चुने और सरकार जनता की अपेक्षा के अनुसार काम करे। लेकिन महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की असली शक्ति पर बल दिया। उन्होंने वो दिशा दिखाई जिसमें लोग शासन पर निर्भर न हो और स्वावलंबी बने। साथियों, महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के केंद्र बिंदु थे, लेकिन पल भर के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर आजाद देश में गांधी जी पैदा हुए होते तो वो क्या करते। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन गांधी जी के कार्यों का विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं था। महात्मा गांधी ने एक ऐसी समाज व्यवस्था का बीड़ा उठाया जो सरकार पर निर्भर न हो। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है, लेकिन ये कहना भी उचित होगा कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। अगर आजादी के संघर्ष की जिम्मेदारी महात्मा गांधी पर न होती तो भी वो स्वराज और स्वावलंबन के मूल तत्व को लेकर अपना जीवन खपा देते, आगे बढ़ते।